सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा, ते हुण एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। पंजाब नूं साल 2024 तक मलेरिया मुक्त किया जाएगा, आख्या मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने। अमृतसर दे फॉरेस्ट चौंक च ट्रैफिक दा बुरा हाल, लोग परेशान। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे नेड़े फुट ओवर ब्रिज दा निर्माण कारज अध च लटकिया, लोग परेशान। अते हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब नूं 2024 तक मलेरिया मुक्त किया जाएगा अते इस बीमारी के खात्मे लिए सेहत विभाग लगातार यतन कर रहा है अते पिछले साल जिले विच कोई भी मलेरिया का केस नहीं पाया गया। ये विचार मंत्री हरभजन सिंह ने सेहत अते परिवार भलाई विभाग पंजाब वालों करवाए विश्व मलेरिया दिवस मौके कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर मानावाला विखे एक जिला पदरी समागम नूं संबोधन करदिया सांझे कीते। उन्हां आख्या कि पंजाब सरकार की मुख तरजीह सिख्या अते सेहत है। सेहत विभाग अमृतसर के काम की शलाघा करते हुए उन्होंने आख्या कि हस्पताल आने वाले हर मरीज नूं वधिया सेहत सेवावां दे नाल नाल उन्हां प्रति प्यार अते हलीमी वाला रवैया जरूर अपनाउण लई समूह मैडिकल अते पैरामैडिकल स्टाफ नूं अपील की। इस मौके सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह, एपीडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर मदन मोहन, सीनियर मैडिकल अफसर डॉक्टर सुमीत सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। स्कूली विद्यार्थियों के मुकाबले भी करवाए गए। असी लोगों अवेयर करने वास्ते कि मलेरिया जड़ा ये तो किमें बचा जा सकता है, किमें जे हो जाता है तो किमें यदा इलाज आ, ये सारा अवेयर करके इतने लोगों अवेयर करने वास्ते। देखो लोगों यही आ कि जरा खड़े पानी तो मलेरिया जरा फैलता, सो असी यो ही लोगों बेनती करते हैं कि घर के आले दुआले के इलाकों के पानी जड़ा आ इनू खड़न ना दिता जाए। जिमें जिमें साडा विभाग भी जड़ा है यी दवाई का जड़ा छिड़का आ वह भी करेगा। सौन वेले ओपन च ना सुता जाए, ज मच्छरदानी लाई जाए, जा कोई जड़िया कोई है रेपिलेंट मच्छर के उन्होंने यूज़ किया जाए। अज वर्ल्ड मलेरिया डे से जो जिला पद्धरी प्रोग्राम है वो सी एस सी मानावाला विखे मानयोग हरभजन सिंह जी साडे कैबिनेट मंत्री उन्हां दी अगवाई विच जिहड़ा इह मनाया गया, जिथे ते लोकां नूं साडे मुलाजमां नूं ते आम पब्लिक नूं इहदी महत्ता की आ, इस मलेरिया नूं किवें बचाया जा सकदा, इहदे च किवें जागरूक होया जा सकदा, वो अज सारी जिहड़ी हैगी आ गल्लां कीतियां गईआं ने। सरकार अते जिला प्रशासन वल्लों शहर दीआं समस्यावां दे हल लई काफ़ी दावे कीते जा रहे हैं, पर उसकी जमीनी स्तर ते गल कर लईए तां उह सिर्फ नाम मात्र ही हैं। अते जिस दी मिसाल अमृतसर फॉरेस्ट चौंक विच देखण नूं मिलदी है, जिथे कि ट्रैफिक सिग्नल जो कि काफ़ी समय बाद रैड तो ग्रीन हुंदे हन, जिस नाल लोग ग्रीन सिग्नल होने तो पहला ही अपनियां गड्डियां भजाउणियां शुरू कर देंदे हन, जिस नाल कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। जिस दे चलदिआं राहगीरां वल्लों साडी फास्ट न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि गुरु नानक हॉस्पिटल वल जाण वाली सड़क जिस दे फॉरेस्ट चौंक विच ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हन अते जो कि खराबी हालत विच चल रहे हन, उसनों बिल्कुल ठीक किया जाए ता जो लोगों दी जिंदगियां दा बचा हो सके अते कोई जानी नुकसान ना होवे। हुण देखना होवेगा कि इस खबर तो बाद ट्रैफिक पुलिस प्रशासन किन्ना जागरूक हुंदा है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल खतरा हुंदा इत्थे, जिहड़ियां लाइटां ने किसे वेले चलदियां किसे वेले नहीं चलदियां, इन्हां लई ते एमरजेंसी लाइट भी चलनी चाहीदी नाल, जां बैटरी बैकअप होवे वी लाइटां जिहड़ियां ने चलदियां रहिण। और जिहड़ी साडे ट्रैफिक वाले आ वो खास तौर पर इतने समझाते भी दिसन भी भाई ये कि लाइट तो क्रॉस करना कि रुकना नहीं, टाइमिंग तो जो जिस तरह की टाइमिंग लगी नहीं, कोई टाइमिंग तो है ही नहीं गई, और टाइमिंग जी खराब चलती है उन्होंने थोड़ा वधाना चाहिए रोड के हिसाब न, जी रोड से ज़्यादा ट्रैफिक आ उन्होंने जल्दी शुरू कर देना चाहिए, जी तो ज्यादा घट है उन्होंने रोक लेना चाहिए। हाँ ये मेरी उन्होंने एक सलाह है, मंग सर जी है भी ट्रैफिक पुलिस वाला हमेशा इतने हाजिर होना चाहिए, जरा कि बहुत घट नज़र आता है।
इस तरीके बिना लाइट के बिना ही एवं लंघ जाते, दूजे की लाइन आने तो पहले ही निकलती है। कोई कई बार एक्सीडेंट भी हो इस तरीके, नहीं कोई नहीं खड़े होंगे पुलिस वाले, कोई कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। पुलिस को चाहिए इतने 24 घंटे खड़े हो, पुलिस वाले खड़े होंगे फिर कोई नहीं लंघता। शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण चौंक फोरेस्ट चौंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, चारों पास दी सड़क ने हैवी ट्रैफिक रहा है, पर जे गल कर ली इस चौंक से लगियां ट्रैफिक लाइटा की, सिग्नल की जी टाइमिंग है बहुत ही खराब है, जो कि रैड लाइट होने भी लोग अपनी चलना शुरू कर देंगे ने भजो नसी के लगता है कि आने वाले समय से कितने एक्सीडेंट नू दस्तक दे रहे हैं, किसी हादसे नू दस्तक दे रहे हैं। लोगों की जिस संबंध में मंग है कि पहल के आधार के उत्ते ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इस चौंक के खड़ाए जान, ता जो लोगों की जिंदगियां बच सकन, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई जानी नुकसान ना जाए। तो जो शहर की मेन समस्या सब तो वड्डी बनी है ट्रैफिक लाइटों की, वो बिल्कुल दुरुस्त की जाए तो लोगों को कोई परेशानी ना आए। कैमरामैन रमन कुमार के नाल सुशील शर्मा, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। अमृतसर शहर का प्रशासन शहर वासियों वास्ते वक्-वक् उपराले करदा है ता जो लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखा जा सके। कई जगह नवीं सड़क बनाई गई हैं, पार्कों भी सोहना बना दिता गया है। कुछ सड़कों के उपर ओवरब्रिज भी बनाए गए हैं, जो कि सड़क पार करने वास्ते लोग पैदल इस्तेमाल कर सकन। साड़ी टीम ने शहर दिया कुछ सड़कों का दौरा किया, ओवरब्रिज वेखे गए। एक थान अजीब नज़ारा वेखन विच आया, जिथे ओवरब्रिज का ढांचा खड़ा है लेकिन ब्रिज गायब है। असी गल कर रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बाहर GT रोड से अद बने ओवरब्रिज की, जो कि लोगों की जरूरत से पूरा नहीं उतरिया। प्रशासन ने पैसे खर्चे पर काम पूरा नहीं होया। असी अपने चैनल से पहला भी इस बारे खबर विखा चुके हैं, पर प्रशासन वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स और होर लोग सड़क नू पार करन वेले हादसे नू दावत देंदे हन, क्योंकि रोड से ट्रैफिक दोनों पासे बहुत स्पीड नाल चलता है। असी प्रशासन तो मांग करते हैं कि या तो इस ब्रिज नू पूरा कर दिता जाए या फिर ये ढांचा ही हटा दिता जाए। असी असल खड़े हैं यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर। कुछ टाइम पहले भी यह ओवरब्रिज असी दिखा के गए सी कि प्रशासन ने ढांचा तो खड़ा कर दिता है, लेकिन ना ये रैंप है और ना ही स्टेयर्स। सड़क पार की जा रही है और टुटी हुई रेलिंग के विचों जिड़ी कि खतरनाक है, हादसे का कारण बनती है, लेकिन प्रशासन ने यह ब्रिज क्यों नहीं पूरा किया, यह प्रशासन को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काउंसल इलाके के है MLA भी नवे बन गए हैं, लेकिन इस वाल कोई ध्यान देगा, यह असी भी एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। कोशिश करा कि यह वीडियो डिपार्टमेंट तक जाए ताकि जो इनकम्प्लीट काम कई सालों तो रह गया है उस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। लोगों की भलाई का काम है, रोड टप्पण वास्ते यह स्टेयर्स होनी जरूरी हैं। कैमरा परसन अजय नाल JP सिंह, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। खिलौने वाला बाजार गली जड़ाओं विखे इलाका वासियों वालों विधानसभा हलका केंद्रीय के विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता के पहुंचन से धन्यवाद समागम किया गया और जित की वधाई दी गई। इस मौके डाबर सिंह, सुदेश कुमार, अमित कुमार समेत वड्डी गिनती च इलाका वासी मौजूद सन। ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 9815819606। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਰੈਣਗੜ ਵਿਖੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਗਊਧਾਨ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊਧਾਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰਟਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਰੌਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਅਜੇ ਮਹਿਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਜੇ ਉਮਟ, ਬੌਬੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੁਲੰਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਟੀਕੂ, ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਖੈਰੋਦੀਨ ਵਿਖੇ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਕ ਅਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਨੂਰ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਿਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿੱਕੀ ਚੀਦਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਪਾਲਟੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਗਵਾਹ 'ਚ ਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਪਾਲਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ 2 ਦਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ E ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 6 ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ 11। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਨਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਨੇਚਰ ਕਾ ਅਨੁਭਵ ਔਰ ਰਾਈਡਸ ਕਾ ਫਨ ਦੀਜੀਏ, ਆਈਏ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਮੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫਨਲੈਂਡ ਮੇ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਲੀਜੀਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਈਡਸ, ਬੋਟਿੰਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜ਼ੂ, ਡਾਂਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ।
on land, in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्मे है द थ्रॉटल लेमी मेक यू मूव कम बैक बॉय बेबी बन द थोड़ा क्रैक जान लेवा रे जो मेरा स्वैग लेमी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। सिविल लाइन पुलिस थाने सामने चल रहे निष्काम स्कूल जिथों की बच्चियां दे चंगे भविख ले निष्काम सिख्या दिती जा रही है, जिस दे चाल दिया साड़ी फास्ट न्यूज टीम नाल गलबात कर दिया प्रिंसीपल सरदारा सिंह ने दसिया कि उन्होंने स्कूल विच पिछले काफ़ी लंबे समय तो जरूरतमंद बच्चों नू बेहतर सिख्या प्रदान की जा रही है अते उन्हां दे स्कूल विच 250 तो 300 दे करीब बच्चों नू सिख्या दिती जा रही है, जिस दे चलदे उन्होंने आख्या कि उन्हां दा मुख मकसद ही ये है कि जरूरतमंद बच्चों नू हर प्रकार की सिख्या प्रदान की जा सके। जिस संबंध विच उन्होंने NGO अते सेवा संभाल सोसाइटीज़ नू अपील की कि उन्होंने इस उपराले विच वध तो वध सहयोग करन तां जो बच्चों नू वधिया सिख्या मिल सके। इतने अबाउट 300 बच्चा पढ़ता पाया जी। मैं एक स्कूल अटारी बॉर्डर से भी खोलिया हुआ, उत्तर ड्रग्स बहुत चलता है, ड्रग्स बहुत बच्चे पीते हैं, उन्होंने ड्रग्स से बचाने वास्ते उत्तर स्कूल खोता ताकि बच्चे आ रहे लगे रहते ड्रग्स वगैरह को दूर रहने। हर एक चीज़ फ्री, हर एक चीज़ नर्सरी तो लैके प्लस टू तक सारी क्लासा ही। मैं अपने शहर वासियों अपने स्टेट वासियों अपील करना चाहता कि सानू बुक्स चाहिए, टेक्स्ट बुक। नवा सीजन हो गया, वो दानवी सज्जन हो अमृतसर या पंजाब का कोई सानू किताबा दे तो अं बहुत बहुत धन्यवाद करा उन्होंने। सो मैं निष्काम सेवा पब्लिक स्कूल से इन्हों पढ़ाना नहीं हाँ। सो ये बच्चे बहुत प्यारे ने, छोटे छोटे घर चो आते हैं बेचारे, मम्मा काम करते ने मतलब घर के। सो ये बच्चे इंटैलीजेंट भी बहुत ने। सो इन्हों सीखन की इन्हों बड़ी अच्छी मतलब इन्हों हैगी है, अगर इन्हों सिखाने तो बड़ी जल्दी सीखते हैं। मैनू आके इन्हों को बहुत अच्छा लगता है। सो मैं 3-4 घंटे इन्हों को आनी, मेरे को सारिया टी क्लास ने, मैं थर्ड नू भी पढ़ाई हाँ, फोर्थ नू भी पढ़ाई हाँ, आई थिंक फर्स्ट सैकेंड भी है। सो जेड़े बच्चे मेरे को सीखना चाहते हैं सो मैं उन्होंने सिखानी हाँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और ये मेरे स्कूल का नाम निष्काम सेवा पब्लिक स्कूल है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल सर हमें फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, फ्री शूज़ देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री किताबें देते हैं। मेरा नाम नंदनी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम निष्काम सेवा पब्लिक स्कूल है। यहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, सब फ्री पढ़ाते हैं, यहाँ के टीचर्स भी फ्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मैं प्लस टू क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम निष्काम सेवा पब्लिक स्कूल है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमें फ्री पढ़ाते हैं, फ्री बुक्स वगैरह देते हैं और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि बड़े हो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करें और अपने प्रिंसिपल सर का भी नाम रोशन करें। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। निष्काम स्कूल जो कि बच्चों के चंगे भविख लिए वधिया सिख्यावां दे रहा है, तो अज लोड़ है सेवा संभाल सोसायटियां नूं भी उन्हां दी मदद करन लई तां जो बच्चों का भविख होर निखर सके। कैमरामैन राकेश कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़ अमृतसर। रियान इंटरनेशनल स्कूल विखे क्ल्यूमीनेशन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एंड कब्ज़ एंड बुलबुल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके डिप्टी कमांडेंट डॉक्टर मनोरंजन कुमार, स्टेट कमिश्नर कम प्रिंसिपल हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स पंजाब मिस्टर परमजीत कुमार, स्टेट सैक्रेटरी मिस्टर नितिन चौधरी मुख तौर पर उपस्थित हुए और स्कूल की प्रिंसीपल कंचन मल्होत्रा वालों आए हुए मेहमानों को सम्मानित किया गया। बड़ी गिनती स्कूल के विद्यार्थी और टीचर मौजूद सन। It is on 23rd and 25th April.
The camp is organized to make students aware about the techniques of उस देश की सुरक्षा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसके लिए हमें क्या करना है जो भी हमें टास्क मिलते हैं जो भी हम छोटे छोटे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अभी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अभी है कि जो भी टीचर्स बताते हैं उसको हमको अच्छे से करना है टीचर को रिस्पेक्ट देना है हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है मानतियां ते समाज भलाई सोसाइटी वालों सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल चंडियाला विखे प्रधान गुरिंदर सिंह मट्टू डायरेक्टर मंगल सिंह किशनपुरी प्रिंसीपल अमृतप्रीत कौर की अगवाई हेठ आयोजित किया गया इस दौरान 11वें हलका पदरी मानतियां ते अवार्ड दिते गए श्रीमती सुहिंदर कौर अते डीएसपी सुखविंदर सिंह मुख मेहमान सन प्रबंधकों वालों उन्होंने सम्मानित किया गया आजाद हिंद फौज सक्सेसर एसोसीएशन फ्रीडम फाइटर महंगा सिंह यादगारी कमेटी फ्रीडम फाइटर करम सिंह सोसायटी वालों आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया पंजाब नैशनल बैंक के जोनल हैड परवीन गोयल मुकेश सेठी नु सम्मानित किया गया प्रधान मनोहर सिंह सैनी चंद्र मोहन सैनी हरप्रीत सिंह बलबीर कौर भी मौजूद सन फ्रीडम फाइटर यार मनाना सी नैक्सट मंथ मना रहे हैं डेट अजे मेरे ख्याल राउंड अबाउट 15th or 20th विल बी डूइंग इट तो अज असी इस करके आए हैं तो साड़ी एसोसीएशन ने इन्होंने सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया तो सम्मानित सेठी साहब न गोयल साहब ने सम्मानित करना है इसे ऐसा है सबसे पहले मैं इनका थैंक्स करता हूँ कि ये फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन PNB हम स्पॉन्सर्ड बैंक हैं क्योंकि ये एक 75th जो एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंट डे की जो भारत सरकार भी आज़ादी का महोत्सव मना रही है तो उसमें हमें इनवाइट किया हमें ऑनर किया तो हम इनके बहुत आभारी हैं और हम स्पॉन्सरशिप जो भी बैंक के तरफ से मैक्सिमम होगा हम ट्राई करेंगे कि संचार मंत्रालय डाक विभाग ने कौमांतरी योग दिवस 2022 ले तैयारी प्रोग्राम का आयोजन किया गया GPU विखे अमृतसर पोस्टल डिवीजन के कर्मचारियों ने लाइव योग सैशन च हिस्सा लिया सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस अमृतसर दीपक शर्मा सीनियर पोस्ट मास्टर सतेंद्र सिंह लहरी समेत कई लोग मौजूद सन मोहल्ला सुधार वैलफेयर सोसायटी वालों सुंदर नगर विखे रमन मल्होत्रा की अगवाई हेठ कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया 12 to 15 years के बच्चों भी टीके लगाए गए सीनियर लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई गई वड्डी गिनती च लोगों ने कैंप विच भाग लिया निरंतर प्रयास जिहड़े करोना के दौरान चल रहे हैं अज असी वैक्सीनेशन का जिहड़ा कैंप लगाया जिदे विच असी 12 years तो उपर लैके तो बूस्टर डोज भी जिहड़ी लगती पी है इस कैंप के सारे करोना के जिहड़े वैक्सीनेशन ने कोविशील्ड है कोवैक्सीन है या जिहड़ी बच्चे की डोज है वह भी जिहड़ी प्रोपर तरीके लगती पी है भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत के पंजाब प्रभारी सुजिंदर बिडलान की अगवाई हेठ मोहकमपुरा विखे विशेष बैठक की गई इस मौके संयुक्त मुख संचालक विरोतमवीर रतन हंस ने उचेचे तौर पर शिरकत की इस दौरान विरांगी बीबी जसबीर कौर नू पंजाब दा एग्जीक्यूटिव मैंबर नियुक्त किया गया इस मौके पंजाब दे कार्यकारी प्रभारी सुनील मट्टू प्रचार मंत्री राजकुमार सकत्तर पंजाब वरियाम सिंह एडवोकेट राहुल हंस भी मौजूद सन अज भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर भारत की एक हंगामी मीटिंग मोहकमपुरा इलाके में हुई है जिस विच प्रांतीय संगठन के सदस्य के रूप के बीबी जसबीर कौर जी ने नियुक्त किया गया है जसबीर कौर जी ने जो कि पहले जिला मेला के अध्यक्ष सन अज उन्हां दी मेहनत सदके इन्हां नू अज पंजाब दा कार्यकारी मैंबर बनाया गया श्री दुर्गियाना तीरथ स्थित श्री तुलसीदास मंदिर विखे श्री रामायण पाठ किए जा रहे हैं वड्डी गिनती च लोग भाग लैके पाठ कर रहे हैं कनौजिया नौजवान सुधार सभा शहरी वालों एक अहम मीटिंग प्रधान जिंदी कनौजिया की अगवाई हेठ आयोजित की गई जिस दौरान अहम विचार सांझा कीतियां गई अहम फैसले लए गए चरणजीत लाल चौधरी मनोहर लाल बनारसी लाल समेत वड्डी गिनती च मैंबर मौजूद सन हर साल की तरह इस साल भी कनौजिया बरादरी वालों माँ भद्रकाली जी की पूजा गेट खजाना माँ भद्रकाली मंदिर विच करवाई जा रही है
जिथे लंगर ते कीर्तन का खास प्रबंध किया गया है। सारी कनौजिया बरादरी नूं बेनती है कि वध चढ़ के योगदान देवो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व नूं समर्पित समागम बाबा कुंदन सिंह जी कीर्तनी जत्था वालों गली माखनी वाली नज़दीक पेठेवाला बाजार विखे बीबी इंद्रजीत कौर जी के ग्रह विखे आयोजित किया गया। इस दौरान संगत ने श्री सुखमनी साहिब जी और श्री चौपाई साहिब के पाठ की हाजिरी भरी। कीर्तनी जथिया ने कीर्तन किया और सरबत के भले की अरदास की गई। इस मौके पर भाई तजिंदर सिंह, गुरचरण सिंह, प्रेमप्रीत सिंह, हरिंदर सिंह, महेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। मंदिर बाबा बालकनाथ जी लोहगढ़ गेट विखे बाबा जी की यात्रा के उपलक्ष्य विच बाबा जी के झंडे की नगर फेरी कढ़ी गई, जिस दौरान वड्डी गिनती संगतां ने हाजरी भरी और सरबत दे भले की अरदास की गई। इस मौके महंत रमन कुमार, लाल चंद, पंडित मदन लाल समेत वड्डी गिनती संगतां हाजिर सन। होली सिटी के वासियों वालों भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके भजन गायक संजय सवरिया वालों ठाकुर जी की महिमा का गुणगान किया गया। वड्डी गिनती संगतां हाजिर सन। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो पंजाब नूं साल 2024 तक मलेरिया मुक्त किया जाएगा, आख्या मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने। अमृतसर दे फॉरेस्ट चौंक च ट्रैफिक दा बुरा हाल, लोग परेशान। नानक देव यूनिवर्सिटी के नेड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अद च लटकिया, लोग परेशान। ऐसा नाच दियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।